एंड एम इज अ मिस्टेक एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम थंबनेल दिस इज वीडियो ऑन अल्जाइमर डिसीज केस प्रेजेंटेशन अल्जाइमर डिसीज आइडेंटिटी फर्स्ट इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिटी का डाटा ऑफ द पेशेंट नेम पेशेंट रवि एज 61 एजुकेशन ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयड रीजन हिंदू लैंग्वेज हिंदी नेशनलिटी इंडियन एड्रेस अम्बाला डायग्नोज अल्जाइमर डिसीज। इसके बाद अल्जाइमर डिसीज क्या होती है, अल्जाइमर डिसीज ऑल्सो कॉल्ड द सीराइल डिमेंशिया और द अल्जाइमर टाइप सिंपली अल्जाइमर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया एक्ट बाई प्रोग्रेस इम्पेयर्ड इन मेमोरी चीफ कंप्लेन विजन इशू लास्ट फ्यू मंथ इम्पेयर रीजिंग वर्ड स्लीपिंग प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देयर इज अ सीनियर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री मिस्टर रवि अनइलिटरेट एनलार्जमेंट ऑफ हिज ब्रेन इसमें ब्रेन बड़ा हो जाता है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो है हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलाइटिस डिस्पर्जन एंड सीवियर हेडेक। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले फैमिली मेम्बर का नाम उसका रिलेशन सेल्फ रवि सेल्फ एज 61 है उसकी एजुकेशन 10th है मैरिटल स्टेटस मैरिड रीना फैमिली मेम्बर है उसकी जो वाइफ है उसकी एज 58 और 8th क्लास पास है और नेक्स्ट सोनिया है डॉटर 22 फीमेल ग्रेजुएट एंड मैरिड ठीक है। इसके बाद फैमिली ट्री मेल फीमेल पेशेंट एंड सन मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेजेंट स्टेटस जनरल अवेयरनेस ब्लड प्रेशर नॉर्मल जनरल स्टेटस हेड फॉर्म नॉर्मल हेयर ब्लैक कलर आई नॉर्मल नेक लार्ज ट्रेकियन मिडल थ्रोट लार्ज पल्मोनरी इन्फेक्शन पल्पेशन हार्ट इंस्पेक्शन एकटस पल्पेशन एबडोमन इंस्पेक्शन नॉर्मल पल्पेशन प्रिविजन एंग्जाइटी सुपरविजन वॉम इन्वेस्टिगेशन लैब इन्वेस्टिगेशन 6635 IRBC अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज ऑल्सो नोन एज सीराइल डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर टाइप CSPAT सिंपली अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेशन इंपेयर इन मेमोरी कॉग्निटिव फंक्शन नो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अल्जाइमर फर्स्ट डिस्ट्रॉय ऑल इन ब्रेन लीड टू डिमेंशनल डिसऑर्डर डिमेंशिया इज ए लॉस ऑफ इंटेलिजेंट फंक्शन सच एज द मेमोरी थिंकिंग एंड रीजनिंग सो सीवियर दैट इनफर विद इंडिविजुअल डेली फंक्शनिंग डायग्राम ऑफ अल्जाइमर डिसीज इन ब्रेन क्यूज एंड रिस्पेक्टर इट केस इज नॉन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी डाउन सिंड्रोम फैमिली हिस्ट्री एज हेडेक टोमेट स्मोकिंग वायरल इन्फेक्शन साइलेंट ब्रेन कोरोनरी आर्टरी माइकार्डिक इन्फेक्शन इम्पेयर्ड पैथोफिजियोलॉजी कोनोग्राफिक हाइपोथोसिस ऑर्गमेट स्ट्रेस हाइपरगेथ्रोटिक पेन हाइपोथीसिस डेपोजिशन मेटलाइन न्यूरोलॉजिकल लॉस एपिलेप्सी इन द इंप्रेप्टियल कॉर्टिड इन्फ्लामेशन ऑल्स सीजर अल्जाइमर डिसीज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन माइल्ड मेमोरी इंपेयरमेंट न्यू लर्निंग इफेक्टिव रिमोट रिकॉल मेडली इंपेयर्ड पर्सनैलिटी फ्रेंड सैडनेस और डिल्यूजन पुअर वर्ड लिस्ट जनरेशन मेटर सिस्टम नॉर्मल डिस्कशन मैच्योर सिस्टम स्पेरिकल डिल्यूजन सिस्टम हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिटी स्कैन MRI पोजिशन एमिशन टेमोग्राफी साइन मैनेजमेंट फर्स्ट स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज सेकेंड मैनेज बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्यूजन स्लीप प्रॉब्लम एंड एग्रीगेशन थर्ड मॉडिफाई द होम एनवायरमेंट सपोर्ट फैमिली मेम्बर एंड अदर नर्सिंग डायग्नोज डिस्टर्ब थ्रू द प्रोसेस में बी रिलेटेड टू अल्जाइमर डिसीज चेंज इन द कॉग्निटिव एबिलिटी एज एविडेंस बाय द मीन सेकंड इज क्रोनिक कन्फ्यूजन में बी रिलेटेड टू अल्जाइमर डिसीज पॉसिबल एविडेंस बाय द डिक्रीज एबिलिटी टू इंटरप्रेट ओवर एनवायरमेंट इंपेयर वर्बल कम्युनिकेशन में बी रिलेटेड टू अल्जाइमर डिसीज बाय द पेशेंट वर्बलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय द पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन सेल्फ केयर डेफिशिएंसी रिलेटेड टू मसल दिस इज द फर्स्ट नर्सिंग NCP नर्सिंग डायग्नोज क्रॉनिक कन्फ्यूजन में भी रिलेटेड टू अल्जाइमर डिसीज पॉसिबल एज एविडेंस बाय एविडेंस बाय डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ द इंटरप्रेटर सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज दैट हैड एज क्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑब्जेक्टिव डाटा आई एम ऑब्जर्व दैट द पेशेंट हैव क्रॉनिक कन्फ्यूजन एबिलिटी गोल रिड्यूस द क्रॉनिक कन्फ्यूजन एंड द डिक्रीज एबिलिटी एंड प्लानिंग असेस द पेशेंट कंडीशन असेस द लेवल ऑफ द पेशेंट प्रोवाइड
therapy to the patient and implementation, patient condition assessed, therapy provided by patient and chronic confusion are reduced, decreased ability. Assessment subjective data, patient is verbalized, they lose their memory and distributing objective. I observed the patient have difficulty in the through the process nursing diagnosis disturbed through the process may be related to Alzheimer's disease, change in the cognitive ability observed by the memory losses and the impaired the process may relate to Alzheimer's disease. Assess the level of the patient, assess the physical symptom, check the through the process, provide comfortable 10 level assess and physical thrombose given to the patient and completely hopefully in one provided to the patient through the process cognitive ability is impaired. Third nursing diagnosis is impaired verbal communication related to the disabled by the patient verbalization. Subjective data, patient verbalized impaired communication. Objective data, observed that the patient have disability verbal thinking to improve the verbal communication, assess the patient tension, assess the patient consultation, assess the patient verbal condition to provide the comfortable position to the patient and maintain IPR with the patient. Patient attention, patient concentrate, patient verbal condition assessed, peer maintain verbal communication improved. So this is the case presentation of Alzheimer's disease. Hope get information from this video and like the video, subscribe my channel and comment the video anything going in this room. Hope you get information from this video. Thank you for watching my video.